नमस्कार, नेशन भारत आप देख रहे हैं, मैं राकेश। बिहार के भागलपुर से दिल दहला देने वाली खबर आई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक भागलपुर के गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव अचानक पलट गई। बताया जा रहा है कि डूबने वाले नाव पर तकरीबन 100 से ज्यादा लगभग 150 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की लाश बरामद की गई है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, बहुत लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि गंगा नदी में लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। गोताखोर को तैनात किया गया है, एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। मौके पर कई गोताखोर को तैनात भी किया गया जो लोगों को गंगा नदी में तलाश करने का काम कर रहे हैं। गंगा नदी से एक महिला का शव बरामद किया गया है। हालांकि मिल रही जानकारी के मुताबिक भागलपुर के गोपालगंज थाना क्षेत्र के नवगछिया के गोपालपुर 3 टंगा जहाज घाट के पास यह बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना के बाद इलाके में हताहत का जो माहौल है वो देखा जा रहा है। नाव पर सवार लोगों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जिस महिला का शव बरामद किया गया उसकी पहचान भी कर ली गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों में मनीषा कुमारी, चांदनी देवी, रानी देवी, खैरा देवी, शर्मिला देवी, प्रेमलता देवी, इंद्रदा देवी और प्रेमिला देवी भी शामिल है। स्थानीय लोगों के अनुसार दर्शनीय धार्मिक तेज बहाव में चल रहे भवन में फंस जाने के कारण नाव पलट गई और ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। नाव पर 3 टंगा कराड़ी गांव से मजदूर और किसान गंगा पार दियार स्थित अपने खेतों में मकई की बुआई करने के लिए निकले थे और इनमें से कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। लोगों ने नाव पर खाद और बीज भी लाद रखा था। नाव पूरी तरह से ओवरलोडेड थी। नाव महतो बरियार घाट से रवाना हुई, वहां पर एक साथ 2 नावें रवाना हुई थी। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही नाव दर्शनीय धार में गई वहां के तेज बहाव के चलते भवन में फंस गई। लोग घबरा गए और लोगों को सोचने का मौका भी नहीं मिला और देखते ही देखते नाव वहां पर पलट गई। इसके साथ ही रवाना हुई दूसरी नाव में भी पानी भरने लगा तो लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार उस वक्त दियारा जा रहे अन्य गांव के लोग भी घाट पर मौजूद थे। उन्होंने तत्काल लोगों को बचाना शुरू किया। कई लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, उनका उपचार भी चल रहा है। और इस हादसे के बाद सूचना पर गोपालपुर थाने की पुलिस के अलावा जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर कैंप किए हुए हैं। एसटीआरएफ की टीम भी वहां पर तैनात है। गोताखोर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं और मिल रही जानकारी के मुताबिक अभी भी करीब 20 से अधिक लोग लापता हैं और इससे अधिक लोग अभी तक लापता हैं। नदी से सुरक्षित निकाले गए लोगों को पानी में कुछ समय तक डूबे रहने की वजह से एहतियातन गोपालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार लगातार वहां पर चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जब नाव पर इतना ज्यादा लोग सवार थे तो कैसे उस नाव को पार कराया गया? ये नावे की गलती है, किसकी गलती है, जांच का विषय है। लेकिन हाँ, लोगों से अपील जरूर रहेगी कि दियारा क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में नाव पर ओवरलोडेड आप ना करें, क्योंकि यह बहुत बड़ा हादसे का शिकार हो सकता है। आए दिन इस तरह के जो हादसे हो बिहार में देखे जाते हैं, क्योंकि नाव पर अत्यधिक क्षमता अगर होगा तो नाव जो है पलट सकती है और लोगों की जान भी जा सकती है। और ये हादसे कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में बहुत बड़ा मैसेज दे जाता है, संदेश दे जाता है, लेकिन फिर भी इस हादसे से हम लोग सबक नहीं लेते हैं। इसलिए इस हादसे से सबक लेकर नाव पर ओवरलोडेड ना किया जाए, प्रशासन की मौजूदगी में इस तरीके का जो काम है वो किया जाए। इससे होगा क्या कि इस तरह की घटनाएं में कमी आएगी, ना के बराबर होगी और जो लोग हैं हमेशा सचेत रहेंगे। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।